जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के हम कुल मिला के क्वेश्चन 75 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें परीक्षा में हर हाल में कम से कम तो 5 या 6 क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो हमारी उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी, आप लोग भी अपना स्कोर, जितना भी आप स्कोर होता है, आप अपना कॉपी पेन अपने पास रखें और अपने स्कोर को अवश्य कमेंट में लिखें। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान का शुरुआत करते हैं, जीएस से शुरुआत करते हैं। स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? तो इसका पहला देखो आंसर, पहला विकल्प क्या दिया है, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार के जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है उसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला विकल्प बी विकल्प इसका हो जाता है, क्या विकल्प हो जाता है, वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वाणिज्य लेन देन सी विकल्प हो जाता है, वाणिज्य लेन देन क्या हो जाता है, वाणिज्य लेन देन के काम या बिना कोई सबूत के साथ रेड। डी विकल्प हो जाता है, उच्च जोखिम भरा वित्तीय विकल्प। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, स्वसमाप्ति, तो इसका आंसर कौन सा पहला ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाएगा, हरित क्रांति के जनक इनमें से किसे माना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, एम एस स्वामीनाथन को और डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर हेनरी फोर्ड को। तो किसको माना जाता है, ये देखो विश्व के हिसाब से देखेंगे तो क्या माना जाएगा, डॉक्टर कौन आ जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। जबकि भारत की दृष्टि देखेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को भारत की दृष्टि से कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, आप किसको पकड़ना है, आपको नहीं को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, नहीं को। तो देखो निम्नलिखित पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज, देखो कोयला पाया जाता है, लो अयस्क ये भी पाए जाते हैं, खनिज तेल और मैग्नीज, तो ये भी पाया जाए, मैग्नीज भी पाया जाए, लेकिन खनिज तेल कहाँ नहीं पाया जाता है, जितने भी पठारी क्षेत्रों में पानी तो मिलना बहुत मुसीबत होती है, वहाँ पर तेल कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या नहीं पाया जाता, खनिज तेल, ठीक है। बे, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखो क्या पूछा गया, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इनमें विकल्प है, देखो पहला विकल्प है चंबल और बेतवा, चंबल और सोम, और नर्मदा और सोम, और क्या हो जाएगा इसके बाद, क्या हो जाएगा नीचे का सबसे डी विकल्प है नर्मदा और बेतवा। तो इसमें देख लेंगे नर्मदा और बेतवा, देखो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, नर्मदा और कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोम नदी, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हैं, एक दिशा में पश्चिम में जाती है तो एक दिशा पूर्व में जाती है, दोनों अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, को डॉट 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 को वृषभ कोमा चक्र और अस युक्त सारनाथ की सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो इसका उत्तर देख लेंगे, ये देखो कब किया था, 24 जनवरी कब, 1950 को। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप भी अपना लिखते चलें, ठीक है, इसका मैंने पहले ही उत्तर बता दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्या हो जाता है, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों के चर्च बनवाने की अनुमति दी थी। तो विकल्प हो जाएगा वेंकट द्वितीय, ठीक है, अच्युत राय, ठीक है, तिरुमल, और कृष्ण हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेंगे सभी लोग, इसका कौन सा हो जाएगा, किसने दी थी विजयनगर, विजयनगर की अगर स्थापना पूछी जाए तो हरिहर तथा किसने की थी, बुक्का ने की, तो इसका क्या, किसने दी थी, वेंकट द्वितीय ने दी थी, ठीक है। वेंकट किसने दी थी, द्वितीय ने, 1585 से 14 के इनका कार्यकाल रहा था, 1585 से 1614 के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। अब पिंग पोंग आया है, चिंग चोंग आ रहा है, तो ये तो आप समझ सकते हैं, ए विकल्प म्यांमार से हो जाएगा, बी विकल्प क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, सी विकल्प क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और डी विकल्प क्या हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेंगे क्या हो जाएगा, ये पिंग पोंग है या चांग चुंग जो भी है, तो ये किससे संबंधित होता है, चीन से ही, तो ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, आठवां क्वेश्चन, देखो पूछा गया एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का, तो पहले देखो संतृप्त कार्बन को दो भागों में बांटा जाता है, संतृप्त एक असंतृप्त, तो पहला संतृप्त आ जाता है, संतृप्त का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n और प्लस के 2, ये क्या हो जाता है, एल्केन हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्केन, ठीक है। और जबकि एल्कीन की बात की जाए तो अंत वाले ये दो हटा दो, तो ये किस में पहुंच जाएगा, एल्कीन में पहुंच जाएगा, असंतृप्त में, असंतृप्त में दो हाइड्रोकार्बन रखे जाते हैं, एल्कीन और कौन सा, एल्काइन रखा जाता है, जबकि एल्केन किस में रखा जाता है, संतृप्त में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो अगला नौवें में क्वेश्चन में पूछा गया पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा अग्रभाग, अग्रभाग से या स्त्री से या पर्वती से या क्या हो जाएगा, समनी। तो पश्चिमी घाट हमेशा किससे, पर्वती वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा,
ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो किसके आधार पर? हमने आपको आपातकाल बताया था 52 से लेकर कहां तक दिया गया, 60 तक दिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवृत्त घोषित करेगा तो किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, किसमें, सी विकल्प में आ जाएगा, 56 में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, सी विकल्प 56 में आ जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 356 में केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, सर, और ये कौन सा राज्य, और उस राज्य में क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दिन के समय कौन सा, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 11वां क्वेश्चन देख लेंगे इसके बाद, देखो 11वां क्वेश्चन देख लेंगे इसके बाद, देखो क्या कहा गया है, दिन के समय कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल की चाल के मुख्य प्रेरक बल होते हैं। अब आप याद रखना है, जल का प्रवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम ये जड़ों में पाया जाता है, जबकि फ्लोएम किसमें पाया जाता है, ऊपर पत्तियों में पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो इसमें पूछा गया है कि चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है, कौन सा प्रेरक बल करता है नीचे से जल ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन ये विकल्प है, दूसरा बी विकल्प वाष्पीकरण है, तीसरा विकल्प चूषण है, और डी विकल्प क्या है, स्थानांतरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाष्पोकर्षण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाष्पोकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो कोशिका से संबंधित कल भी क्वेश्चन बताया था, आज भी पूछ, निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। ठीक है, अब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के समान पूछा गया, तो मैंने आपको कोशिका भित्ति, देखो कोशिका की जो ऊपरी वाली भित्ति होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका झिल्ली, जैसे पादपों में एक कोशिका भित्ति के ऊपर भी एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव में कहां से पादप पाई जाएगी, सभी अंगों को एक दूसरे से सटने से रोकता है, केंद्र खुद कोशिका का अलग भाग होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, देखो 13 सवाल, देखो 10,000 प्रतिरोधक वाले विद्युतीय पदार्थ में 0.1 एम्पियर की धारा 25 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इसकी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी, तो ये ऊष्मा बराबर एच बराबर फार्मूला से निकाल लेंगे आप लोग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 250 आएगा। ठीक है, इससे 250 आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, अगर हम करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस कारण। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला देखो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 में क्या पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में .. फॉर्मेटिंग के टूल उपलब्ध कराता है, यथा बोल्ड और क्या करता है, इटैलिक और अंडरलाइन आदि, ये किसमें आ जाता है, तो किसमें, स्टैंडर्ड टूल बार में आता है, मेनू टूल बार में आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है, या स्टेटस टूल बार में आता है, तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, तो हमारे हिसाब से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, किसमें आ जाएगा, स्टेटस बार में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, स्टेटस बार में आ जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया है कि गर्म पानी अभ्यारण्य .. में स्थित है, तो कौन सा गर्म पानी, आप देख लेंगे अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जूनागढ़ गुजरात में, विकल्प डी दीपू असम में, और सी विकल्प क्या हो जाता है, नागालैंड कोहिमा नागालैंड में। ठीक है, और डी विकल्प हो जाता है गंगटोक सिक्किम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका बी विकल्प क्या हो जाएगा, असम के दीपू असम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीपू असम में हो जाएगा। ठीक है, अब 16वां देखते हैं इसके बाद, 16वां देखो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला का विद्या का विशेषता नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला विशेषता के विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला की विशेषता नहीं है, तो देख लेंगे इसमें कौन सा नहीं है, देखो इसे शकों व कुषाणों द्वारा संरक्षण दिया गया, देख लेते हैं ए विकल्प, दूसरा इसका विकल्प क्या हो जाता है, दूसरा इसका विकल्प क्या हो जाता है, देखो दूसरा विकल्प क्या होता है, इसे इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव है। डी सी विकल्प है, इसमें मानव आकृति और का वास्तविक चित्रण होता है, डी विकल्प इसका, देखो सी विकल्प हो गया, इसके बाद डी विकल्प है, इसकी उत्पत्ति हीन यान से हुई है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, हीन यान से ही हुई है। ठीक है, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देखो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला विद्या की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें व्युत्पत्ति हीनयान, इसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है, हीनयान से हुई है। आगे पूछा गया, संक्रमण एक्सारियासिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसका परजीवी गोल कृमि के द्वारा हो जाएगा, हुक कृमि के द्वारा हो जाएगा, सूच कृमि के द्वारा हो जाएगा, और फाइलेरिया कृमि के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो यह किसके द्वारा होता है, आपका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गोल परजीवी गोल कृमि के कारण होता है, किसके कारण होता है, परजीवी गोल कृमि के कारण होता है। इसमें क्या होता है, पूरी त्वचा पे क्या पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, और इसके कारण क्या आने लगा, बुखार भी आ सकता है। ठीक है, अब पूछा गया, गुवाहाटी का उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र है, तो क्या है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, और असम है। तो गुवाहाटी का उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को देखता है, 5 राज्यों को देखता है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है, असम आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मेघालय आ जाता है, ठीक है, नागालैंड और त्रिपुरा आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी राज्य आते हैं, क्या आते हैं, सभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला पूछा गया है, निम्न इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है,
और विकल्प दिया गया है गल्फ स्ट्रीम, लेबराडोर, कोरेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे हिसाब से इसके पहली बार तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया। विकल्प के हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, विकल्प के अनुसार इसमें क्या पूछी गई, जो हवाएं हैं वो पूछी गई हैं, लेबराडोर कहाँ की हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की हो जाएगी, और ठीक है जो कहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ चलती है, ठीक है। तो अब ये तो अब चलो इसके बाद अगला देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पुनः 20 नंबर पे भी आ जाता है, देखो क्या कहा गया है इसमें। देखो निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट परम, देखो परम विशिष्ट सेवा पदक, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, और क्या हो जाएगा, वीर चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र, ठीक है। फिर पूछा गया आयन मंडल में डॉट डॉट भी शामिल है, तो मध्य मंडल, मेसोस्पियर, ठीक है, ताप व क्या, बी विकल्प है इसका ताप व उष्ण मंडल, ठीक है, थर्मोस्पियर, और डी सी विकल्प है इसका ताप उष्ण मंडल कौमा थर्मोस्पियर और बहिर्मंडल एक्सोस्पियर, तो इसका, और डी विकल्प है ताप उष्ण मंडल बहिर्मंडल और क्या हो जाएगा, मध्य मंडल, तो क्या आयन मंडल के, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग देख लेंगे इसका उत्तर, ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं सभी लोग, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, डी क्या हो जाएगा, आयन मंडल कहाँ पे होगा, ठीक है, मैं शामिल है, तो आयन मंडल बाहर यानी कि ताप, ठीक है, उष्ण हो जाएगा मंडल, बहिर्मंडल और क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल ऊपरी की तरफ का हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल, तो आयन मंडल, ठीक है। अब देखो कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अगला क्वेश्चन क्या है, कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, बिहार है, बी विकल्प है पश्चिम बंगाल है, डी सी विकल्प है केरल है, और डी विकल्प उड़ीसा है, तो कागज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन ए जॉय फॉर एवर वाक्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक ए विकल्प हो जाता है जॉन कीट्स, बी विकल्प होता है रॉबर्ट ब्राउनिंग, और सी विकल्प होता है पी वी सैली, और डी विकल्प हो जाता है विलियम्स वर्ड्सवर्थ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी या ट्यू ब्यूटी के इसके लेखक कौन हो जाते हैं, ये किसकी हो जाती है, आप लोगों ने ज्यादातर कक्षा 12 में ये रचना पढ़ी होगी, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ही आंसर हो जाएगा, जॉन कीट्स हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जॉन कीट्स, ठीक है। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गन को समर्पित है, मुर्गन अर्थात कार्तिकेय को, ठीक है, ओणम कहां का हो जाएगा, असम का हो जाएगा, तो ये तो तमिलनाडु का होगा नहीं, ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का है, लेकिन पोंगल में किसके को समर्पित नहीं, मुर्गन भगवान को नहीं समर्पित, अथवा कार्तिकेय को नहीं, किसको आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, थाईपोसम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थाईपोसम आ जाएगा, क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, थाईपोसम आ जाएगा, उत्तर इसका क्या होगा, थाईपोसम होगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आप कौन सा देखते हैं, 25, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है, तो लाल और पीली मृदा, वैसे तो काजू उगाने के लिए कौन सी लाल मृदा होती है, तो अकेली आ जाए कहीं लाल तो सही है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, जड़ोत मृदा और काली मृदा, और क्या हो जाएगा, लाल लैटेराइट मृदा, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाल लैटेराइट मृदा हो जाएगा, ठीक है। भारतीय, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मुख्य स्रोत नाट शास्त्र के रचयिता कौन है, तो हमने जब आपको हिस्ट्री में बता रहे तो आपको बताया था नाट शास्त्र कितना सबसे पुराना क्या है नाट शास्त्र, तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भरत मुनि हो जाएंगे, ठीक है। पूछा गया मनसबदारी की पद्धति की शुरुआत डॉट डॉट ने की थी, तो किसने की थी, अकबर ने की थी, बी विकल्प है जहांगीर ने की थी, सी विकल्प शेरशाह ने, और डी विकल्प बलबन ने, तो इसकी शुरुआती मनसबदारी किसने किया था, अकबर ने शुरुआत किया था, सैनिकों के बदले अब मनसबदारी में मनसब के यानी कि जोड़ा किसी क्षेत्र के सैनिकों को एक साथ बुलाया जाता था, और क्या जैसे कहीं आपके गाँव का कोई ना कोई मुखिया बना दिया जाए, और तो पूरे गाँव की जिम्मेदारी किससे आ जाए उसे, और वो जो काम करता है उसे क्या कर दिया जाए, वेतन के बदले वहां का टैक्स और जमीन को सबूर्द कर दिया जाए मनसबदारी, तो ये किसने किया था, अकबर ने शुरुआत की थी, ठीक है, किसने की थी, अकबर ने, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप देखो 28 देख लेते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो तो वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, ए विकल्प हो जाएगा राज्यपाल या गवर्नर को, बी विकल्प हो जाएगा इसका, बी विकल्प हो जाएगा इसका, बी विकल्प क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री को, और डी विकल्प हो जाएगा सी, डी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, अभी रुकना इसमें जाज मोड लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका सी विकल्प हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और डी विकल्प क्या हो जाएगा, विधानसभा सभा उपाध्यक्ष को, तो वो किसको देगा, किसको दे देगा, उपाध्यक्ष को दे देगा, किसको देगा, उपाध्यक्ष को, आप सोच रहे होंगे गवर्नर को देगा, अगर उपाध्यक्ष नहीं होगा तब राज्यपाल या गवर्नर को देगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विधानसभा का क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव याचिका का अधिकार डॉट 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 को कहते हैं, संसद को कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, उच्च न्यायालय को कहते हैं, चुनाव आयोग को कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, इसका क्या हो जाएगा, आप लोग अपना उत्तर लिख लेंगे, ठीक है, किसको कहते हैं, चुनाव आयोग कौन डाल सकता है, उच्च न्यायालय कौन डाल सकता है, उच्च न्यायालय, ठीक है। चुनाव याचिका का अधिकार किसको होता है, उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिद्वंदियों को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाए, देख लेंगे सभी लोग, हेनरी किसिंजर ने, सेवनीज ने, मॉर्थेन थैचर ने, रॉबर्ट मुगाबे ने, तो किसने किया था, इसका आप लोग उत्तर देख लेंगे, जिम्बाब्वे के कौन हो जाएंगे, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देख लेंगे सभी लोग, जिम्बाब्वे के कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने क्या किया था, अपने प्रतिनिधियों को भी अपने मंत्रिमंडल में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था,
ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट मुआम्बे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला पूछा गया है 31 नंबर पे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए कथनों को में सम्मिलित नहीं है, कजरी सुमेलित नहीं है, देखना है क्या है, नहीं है, देख लेंगे। ठीक है, देखो कजरी बनारस बनारसी एकदम सही है, विराह देखो क्या हो जाएगा, पहली बात तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अभी देख लेंगे आगे, होली ब्रज का हो जाएगा, एकदम सही है, नौटंकी हाथरस तथा कानपुर की हो जाएगी, कानपुर की क्या है, नौटंकी है, जो कि यहाँ क्या दे दिया, विराह दे दिया, तो ये बुंदेलखंड का साइड का क्षेत्र का, तो विराह ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाथरस एवं कानपुर का परंपराओं का संबंध किससे है, तो मैंने बताई दिया तो नौटंकी से है, तो किस पे हो जाएगा, रंगमंच पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, रंगमंच पे। यूपी सीड्स SIDS द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क नकलों में किया गया है, ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा। एपेरल पार्क नोएडा में किया गया है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में की गई है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, और इसका प्लास्टिक सिटी किसको, औरैया को घोषित किया गया, ना कि कानपुर को किया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप, और यह संबंधित है किससे है, तो यह कहां से संबंधित हो जाता है, महाराष्ट्र से हो जाता है, किससे हो जाता है, महाराष्ट्र से हो जाता है, या उत्तर प्रदेश से होता है, या पंजाब से होता है, या किससे होता है, बिहार से होता है, तो देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा, तमाशा किससे हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी, महाराष्ट्र से। ठीक है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, सारनाथ का, सांची का, बोधगया का, कुशीनारा का, तो क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं रहा है, सारनाथ का भी रहा है, बोधगया भी रहा, कुशीनारा, तो सांची का स्तूप नहीं रहा है। ठीक है, किस कौन सा नहीं रहा है, सांची का स्तूप नहीं रहा है। अगला देख लेते हैं, तब तक ये चिन्ह देख लेते हैं, ये चिन्ह क्या बताता है। ठीक है, उपयुक्त संकेत द्वारा दर्शाया गया था, आगे पुलिया है, आगे सकरा रास्ता है, एक तरफा रास्ता है, सड़क टूटी हुई है, तो क्या होगा, आगे आप लोग देख लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आगे कैसा है, सकरा रास्ता है, देखो आगे सकरा रास्ता है, एक चिन्ह हमेशा पूछा जाता है, तो चिन्ह आप हमेशा देखते रहे। ठीक है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो कहां से चला है, गुजरात तथा मास्की से पता चला है, गुजरात तथा मास्की से पता चला है, तो इसका उत्तर पहला तो ए विकल्प दिया, नागार्जुनी कांडा, ठीक है, अनुराधापुर, ठीक है, ब्रह्मागिरी, तो इसका क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास्की हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जगह, देखो वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नंबर ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय सभा की कहाँ पे हुई थी, नखलऊ में, कहाँ पे हुई थी, नखलऊ में। अब अपना जीएस में आप लोग स्कोर देख लेंगे, अब सभी हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके बाद किसके देखने वाले हैं, हिंदी के देखने वाले। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए, अब देखो क्वेश्चन देखा 39 से 40 क्वेश्चन देखा गया, क्या एक दूसरे से क्या हो, विलोम शब्द देखना है, क्या देखना है, विलोम शब्द देखना है। अब देखो पहला 39 का ए क्या हो जाता है, गुड़ का अवगुड़ हो जाता है, देखो बी का क्या हो जाता है, देव का क्या हो जाता है, दानव हो जाता है, सम्मान का आज्ञा हो जाता है, और डी का क्या हो जाता है, तरल का क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो आप लोग उत्तर देख लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, इसमें सोच लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सम्मान का विलोम शब्द क्या होता है, अपमान होता है, आज्ञा का विलोम शब्द क्या होता है, अवज्ञा होता है। तो और इसमें पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, सम्मान का विलोम शब्द क्या दिया गया, आज्ञा। ठीक है, जबकि सम्मान का विलोम शब्द होना क्या चाहिए था, यहाँ पे सम्मान का अपमान होना चाहिए था। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराजय, सार्थक का निर्थक हो जाएगा, सी विकल्प में पतन का उन्नति हो जाएगा, धर्म का क्या हो जाएगा, पुण्य, डी। तो इसका पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, और डी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्म का विलोम शब्द क्या होता है, पुण्य नहीं होता, धर्म का क्या विलोम शब्द होता है, अधर्म होता है, क्या होता है, पुण्य का विलोम शब्द पाप होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, यद्यपि, ठीक है, क्या दिया गया, यद्यपि नीचे दिए गए शब्दों, ये देखो 41 से 42 ये भी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, इसमें लिखा हुआ है यद्यपि का क्या संधि विच्छेद देखना है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, पहला विकल्प क्या होगा, यदि धने आपि, बी विकल्प हो जाएगा या धने दपि, ठीक है, और सी विकल्प हो जाएगा यदि धने अपि, और डी विकल्प हो जाएगा यदा धन आपि। तो इसका देख लेंगे सभी लोग, 41 का कौन सा क्वेश्चन है, 41 का सभी लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यद्यपि की क्या हो जाएगा, यड़ संधि है इसमें, और इसका विकल्प हो जाएगा यदि धन क्या हो जाएगा, अपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं, देखो तिरस्कार, ठीक है, क्या देखते हैं, तिरस्कार में देखो क्या पूछा गया, तिरस्कार में किस प्रकार की संधि है, तो देख लेना तिरस्कार में कौन सी संधि है, तो देखो तिरस्कार तो पहला विकल्प हो जाता है तिरस धनकार, तिरह धनकार, और तिया धनकार, और तिर धनकार, तो क्या हो जाएगा इसका, मैंने कहा था आधा सा किसमें बदल जाता है, ये विसर्ग संधि है, आधा सा किसमें बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तिर धन क्या हो जाएगा,
त्राधन क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो मैंने बता दिया, तो बहुव्रीहि समास, ठीक है, ए विकल्प क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बी विकल्प क्या हो जाएगा द्वंद्व, और सी विकल्प कर्मधारय, और डी पुलिस क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, हमने बताया जब भी बहुव्रीहि समास आए तो दोनों मिलकर एक नया तीसरे को अर्थ को प्रकट प्रधानता दी जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या पूछा गया, गौशाला में कौन सा समास है, ठीक है, क्या पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेंगे, गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला लिखा हुआ है, देखें, ए विकल्प में दिया गया है दिगु है, बी विकल्प में द्वंद, सी में क्या तत्पुरुष, और डी में क्या अभय भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला, तो गौशाला यानी गायों के लिए शाला, तो किसमें, गायों के लिए, तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और तत्पुरुष में भी देखने जाएंगे तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, गौ के लिए शाला हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। दिग तो होगा नहीं, दिग में पहला पद क्या होता है संख्यावाचक, द्वंद में क्या छुपा और या योजक का चिन्ह छुपा, अभय भाव में क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए, तो वो तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सभी लोग, अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब क्वेश्चन पूछा गया है 45 से 47 के नीचे दिए गए समय उपयुक्त पर्यायवाची देखने हैं। देखो विकल्प में कहा गया है कि कमल का पर्यायवाची देखो, कमल का क्या होता है, ए विकल्प में दिया गया कुसुम, ठीक है, बी विकल्प में दिया गया पुण्य, और सी विकल्प में दिया गया प्रसून, और डी विकल्प में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुंडरीक हो जाएगा। तो आपको किसका देखना है, कमल का पर्यायवाची देखेंगे, ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची देख लेंगे सभी लोग। कमल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पुंडरीक होता है, पंकज होता है, जलज होता है, अंबुज होता है, और सरोज होता है, बारिक होता है, नीरज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमल का क्या हो जाएगा, पुंडरीक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुंडरीक हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, पुंडरीक, ठीक है। इसमें फूल के भी दिए गए, ठीक है। आगे देखो, अब 46 क्वेश्चन देख लेते, अभिलाषा का पर्यायवाची देख लेंगे सभी लोग, ठीक है। अभिलाषा का देखेंगे तो पहला ए विकल्प हो जाता है आकांक्षा, बी विकल्प अहंकार, और सी विकल्प क्या हो जाएगा, विकार, और ठीक है, और डी विकल्प क्या हो जाएगा, हार्दिक, क्या हो जाएगा, हार्दिक हो जाएगा। तो अभिलाषा के पर्यायवाची क्या होते हैं, अभिलाषा के आकांक्षा होता है, इच्छा होती है, कामना होती है, लालसा होता है, उत्कंठा होती है, रुचि होती है, मनोरथ होता है, मर्जी होती है, क्या होती है, लिप्सा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, अभिलाषा का एक ही दिया गया, मात्र कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची देखना है, तो आकाश का पर्यायवाची द्रग होता है, विप्र होता है, व्योम होता है, और क्या होता है, कगार होता है। तो आप अपना उत्तर लिख लेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। अब पूछा गया है 48 से 50 में निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो उचित विकल्प चुनने के लिए क्या कहा गया, पौ बारह होना, ठीक है, तो दांव हराना, कार्य सिद्ध होना, लाभी लाभ होना, और सुबह जाना, ठीक है। तो सुबह जाना ये भी नहीं होगा इसका, ठीक है, दांव हराना ये भी नहीं होगा, ठीक है, कार्य सिद्ध होना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे हिसाब से लाभ ही लाभ हो सकता है, ठीक है। देखो एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है कोई, आपका जो भी आंसर आ रहा हो तो वो अपना आप कमेंट में लिखें। इसमें हम देखो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, बहरहाल हम तो यही सोच के ज़्यादातर लगा रहे हैं कि सही से सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई दूसरा उत्तर या कोई क्वेश्चन गलत हो जाता तो आप उसे अवश्य हमें बताएं, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखो गंगा नहाना का क्या हो जाएगा, पवित्र होना, ठीक है, ए विकल्प क्या हो जाएगा, पवित्र होना, बी विकल्प क्या हो जाएगा, कार्य पूरा कर निश्चित होना, और सी विकल्प हो जाएगा नदी में स्नान करना, और डी प्रशंसा करना। तो गंगा नहाना मीन्स होता है क्या हो जाना, कार्य का क्या हो जाना, पूरा हो जाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्य का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाना ही क्या कहलाता है, ठीक है, गंगा नहाना। इसका क्या बता दिया था, लाभ ही लाभ बता दिया था, ठीक है, क्या बता दिया था, लाभ। आंख लगना, ठीक है, आंख लगना का क्या हो जाएगा, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नींद आना, ठीक है, क्या हो जाएगा, नींद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अंधों में काना राजा, ठीक है, क्या होता है, भरना है, विकल्प में भरना है, अंधों में डॉट डॉट राजा, ए विकल्प है लंगड़ा, बी विकल्प है पहलवान, सी विकल्प है काना, डी विकल्प है चतुर। तो अंधों में क्या हो जाता है, काना राजा, ठीक है, समझ में आया, मूर्खों में थोड़ा बहुत पड़ा हुआ कोई, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, अंधों में काना राजा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, काना राजा भरा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला देते हैं, डॉट 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 के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन में, बी विकल्प सावन में, सी विकल्प आंख में, और डी विकल्प किस में, बात में। तो किसके, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, क्या आता है, हरा ही हरा नजर आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। काला अक्षर डॉट डॉट बराबर, ठीक है, उल्लू, देखो ए विकल्प हो जाता है उल्लू बराबर, बी विकल्प गाय बराबर, सी विकल्प भैंस बराबर, डी विकल्प क्या हो जाता है, कोयला बराबर। तो क्या हो जाएगा, कोयल बराबर। तो क्या हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम अंश एक से छः तक के अंतर्गत, एक से छः के अंतर्गत दिए गए बीच वाले चार अंश या रा ला व के अंतर्गत बिना कम क्रम के चार अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। इनमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। देखो पहले मैं शुरुआत में एक नंबर पे दिया ग्रेडी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब लास्ट और देख लेंगे, तब तक जब तक लास्ट नहीं, छह नंबर नहीं देखेंगे तब तक नहीं इसमें समझ में आएगा। तो छह नंबर पे क्या कहा गया है, किनारे तक पहुंचती है, ठीक है। तो अब देख लेंगे क्या है इसका क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा वाक्य करना है ग्रेडी
ग्रस्त जीवन की क्या है, क्या है देखो, ग्रैड़ी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, ठीक है। इस नौका, यह क्या दिया गया, इस नौका को, ठीक है, से बचाती है, ठीक है। और लाल लड्डू पे क्या दिया गया है, थपेड़ों और भमरों से, ठीक है। और वह वट क्या हो जाएगा, जो अपनी बुद्धिमता और चरित्र बल त्यागमय जीवन से, और लास्ट में तो क्या आ जाता है, 6 नंबर पे किनारे तक पहुंचाती, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैड़ी ग्रस्त जीवन रूपी नौका वह पतवार है जो क्या करती है, जो, ठीक है। तो यहां से पकड़ना है जो, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह वट पहले आएगा, जो अपनी बुद्धिमता और चरित्र बल और त्यागमय जीवन से, तो वह वट देख लेंगे सबसे पहले विकल्प में किसमें आया, एक ही देख के देख लेंगे, तो इसका उत्तर पहला ही कौन सा हो जाएगा, डी हमें लग रहा है, डी क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब डी लगा के देख लेंगे, ठीक है, डी लगा के देखते हैं, पहले नंबर पे वह आ गया, दूसरे नंबर पे क्या आना है, ठीक है। तो वह जो अपनी बुद्धिमता और चरित्र बल त्यागमय जीवन से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, इस नौका को, एकदम सही है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया, निम्नलिखित वाक्य में देखो क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में क्या करना है, निम्नलिखित देखो क्या गया, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटिपूर्ण, त्रुटिहीन, त्रुटि अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्हित कीजिए, जहां अगर त्रुटिहीन नहीं है तो किसपे करना है, किस पे करना है, डी पे, नहीं त्रुटिहीन हो तो, त्रुटिहीन ही नहीं, कोई त्रुटि ना हो तो डी पे चुनना, और त्रुटि जहां पे हो उसी विकल्प को चुनना। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया है, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है डी विकल्प में। देखो मेरा शादी, शादी हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, तो क्या मेरा भाई जिसकी शादी होना चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था, जिसकी शादी होना चाहिए था, तो यहां पे विकल्प गलती कहां पे हो जाएगी, बी में हो जाएगी, कहां पे हो जाएगी, बी में हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखो क्या देखते हैं, अगला, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, ठीक है, क्या कहा गया, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, जबकि देखना क्या है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इसमें देख लेंगे, तो इधर आजकल किसकी हो रही, मौसम की वर्षा हो रही, तो ए देखेंगे कोई त्रुटि है इसमें, ए में है, बी में है, या सी में, या डी में, तो आप बता देंगे, तो हम आप बताते हैं इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आजकल, अरे भाई इधर ही आ गया तो फिर आजकल आने की जरूरत क्या है, ठीक है, क्या है, इधर मौसम की वर्षा हो रही है, यानी कि मौसम ही आ गया तो आजकल लगाना उसमें क्या, ठीक है, मौसमी बरसात, तो क्या हो जाएगा, ए में ही गलती हो जाएगी, ठीक है, किसमें हो जाएगी, ए में गलती हो जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है, 57 से 59 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो गोद लिया गया हो, तो क्या कहलाता है, ए विकल्प दत्तवित, ठीक है, बी विकल्प दत्तक, और सी विकल्प हो जाएगा त्याज, डी विकल्प क्या हो जाएगा, दंपति, तो इसका ए विकल्प क्या हो जाएगा, दत्तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दत्तक हो जाएगा, जो मापा ना जा सके, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जो मापा ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, ठीक है, अपमानित हो जाएगा, अनुपेय हो जाएगा, या अपर हो जाएगा, तो आप इसका उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो मापा ना जा सके तो वो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरमेय, ठीक है। अगला विकल्प देखते हैं 59, जो किए गए उपकारों को मानता हो, ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, देखो जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपा का पात्र, और क्या हो जाएगा, सुपात्र, ठीक है। तो देखो उपकारी किसे कहते हैं, जो उपकार मानने वाला होता है उसे तो उपकारी कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है तो कृतज्ञ हो जाएगा, तो बी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 60 नंबर, देखो क्या है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन कौन से प्रकार की क्रिया है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सी क्रिया हो जाएगी, लिखवाया, तो कौन सी हो जाएगी, ए विकल्प क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी, बी हो जाएगा नग्म धातु क्रिया, और सी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, और डी हो जाएगी संयुक्त क्रिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखवाया, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणा, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है, देखो कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत भाषा है, कौन सी भाषा में, ठीक है, तो देख लेंगे कौन सी भाषा में, ए विकल्प ब्रज भाषा में, बी विकल्प क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, बी विकल्प अवधि भाषा में, सी विकल्प भोजपुरी में, और डी विकल्प किसमें आ जाएगा, खड़ी बोली में, तो इसका आंसर देख लेंगे कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, इसका किसमें है, अवधि भाषा में, किसमें, अवधि। अब देखो फिर आ गया है संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में देखो कौन सा आ गया है, कहा गया है दिग दर्शन की संधि विच्छेद कीजिए, तो मैंने अब इसका ए विकल्प देखो क्या हो जाएगा, दिग धन दर्शन हो जाएगा, दिग, और बी विकल्प दिग धन क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, और सी विकल्प दिग धन दर्शन हो जाएगा, डी विकल्प क्या हो जाएगा, दिग धन क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तो कहा था मैंने कि जो लगा है वो किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाता है, इसमें आधे काम में बदल जाता है, तो हमने पहले अक्षर में बताया, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, इस संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, गा गमला किसमें बदल जाता है, अगर जिस पहले अक्षर में बदल जाता है तो का आ जाता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दिग धन दर्शन क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 63 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में से कौन सा कारक है, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रहा, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ए विकल्प अपादान, बी विकल्प करण हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, कर्म, और डी क्या हो जाएगा, अधिकरण, जबकि आपको कारक बताए हैं, तो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अकरण से या के द्वारा, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की रे रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, तो अपादान अलग हो रहे, तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपादान क्या हो जाएगा, अपादान,
अगला पूछा गया है 64 से 66 में निम्नलिखित समार्थक समार्थक शब्द की क्या करना है, चयन कीजिए। ठीक है, देखो समार्थक इसमें तीन विकल्प क्या दिए गए हैं, समान दिए गए हैं और एक अर्थ क्या दिया गया होगा, भिन्न दिया गया होगा। देखो पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द, तो इसमें ए विकल्प हो जाएगा या बी होगा या डी विकल्प क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पीड़ा और व्यथा और दर्द सभी क्या होते हैं एक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके बाद। अब देखो 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 में क्या क्या आ गया, इसमें भी क्या तीन शब्द एक समान होंगे और एक शब्द अलग होगा, इसने द्वेष, अनुराग और क्या हो जाएगा, प्रीत। क्या हो जाएगा, प्रीत। आप अपना क्वेश्चन में उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, इसने और क्या हो जाएगा, देखो इसने भी एक ही बात होता है, ठीक है, प्रीत भी एक ही बात होती है, ठीक है, अनुराग भी क्या होता है, लेकिन द्वेष क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला पूछा गया, देखो जन्म, मृत्यु और क्या है, उगना और उत्पादन में अलग क्या है, तो इसमें देख लेंगे क्या हो जाएगा, आप अपना उत्तर लिख लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, मृत्यु, क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ उग ही रहा है और बाकी और मृत्यु में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन कीजिए। ठीक है, पहला लिखा भारत में अनेक जाति है, ठीक है, भारत में अनेकों जाति है, ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है, और डी विकल्प है इसका, भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, जब अनेकों हो गया है तो जातियां करने की क्या जरूरत, तो इसका हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, आगे पूछा गया निस्दिन, आप देखो किसमें 68 से 69 के बीच क्या पूछा गया, रस पूछा गया, निस्दिन बरसत नयन हमारी, तो ए विकल्प में पूछा गया क्या हो जाएगा, करोड़ रस हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। तो इसमें निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो किसमें, किसी के वियोग में क्या बरस रहे हैं, नयन बरस रहे। अगर मिलने की ना आशा होती नायक और नायिका के वियोग में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। जब मिलने की आशा जब खत्म हो जाती तो करोड़ रस आता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो अब देखो 69, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, तो मोर मुकुट यानी कि शोभा की बात कर दी गई। शोभा किसमें बताई जाती है, शांत में बताई जाती है, श्रृंगार में बताई जाती है, करोड़ समय या किसमें, हास रस किसमें बताई जाती है, श्रृंगार में बताई जाती है, किसमें बताई जाती है, श्रृंगार में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंध विकल्प के उत्तरों में से सही का चयन कीजिए। ठीक है, अब इससे पहले देखो जब भी ऐसे आप क्वेश्चन करें तो हमेशा ये पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे है। तो पहले तो इसके विकल्प देखो 74 से लेकर कितने कितने थे, 70 से 74 के बीच है। तो क्या क्या पूछा गया, कालिदास, देखो क्या पूछा गया, कालिदास प्रकृति का वर्णन का आधार, कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें सौंदर्य परक की जाती है। ठीक है, ये इसमें स्टेंजा में देखते रहना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सभी। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 73 नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 73 नंबर पे देख लेंगे क्या पूछा गया है। ठीक है, 73 पे पूछा गया है हिंदी भाषा लिपि लिखी जाती है, तो ये तो शायद सीधा ही बता दें कि हिंदी भाषा लिपि जाती है, तो किसमें, देवनागरी में, और हिंदी दिवस पूछा गया, तो ये क्या हो जाता है, 14 सितंबर हो जाता है। आप पढ़ लेते हैं स्टेंजा को, किसको पढ़ लेते हैं, स्टेंजा को, स्टेंजा में देखते ध्यान से समझते जाना। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। ठीक है, किससे की जाती है, अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है, जबकि रूप जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसका रसास्वादन की अनुभूति होती है। एक सुंदर और तथा मनोहर एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर तथा कालिदास का प्रकृति का वर्णन, अब देखो कालिदास का वहां पे पूछ दिया था, कालिदास का, तो यहाँ पे उत्तर यहीं पे मिल जाता है इसका। क्या हो जाए, क्या पूछा गया है, कालिदास के प्रकृति का वर्णन कैसा है, मनोहर, उसमें उसमें क्योंकि उसमें चरित्र की क्या है, प्रधानता है, चरित्र की क्या है, प्रधानता है। ठीक है, सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु की विशेष प्रतीत होती है उसे मनोहर, कालिदास के प्रकृति का, देखो कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार है। तो इसमें देखो मैंने अभी आपको बताया था कालिदास के मनोहर का प्रकृति का आधार क्या बताया था, कालिदास के मनोहर की प्रकृति का आधार बताया था, ये देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, मनोहर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसकी मनोहरता। ठीक है, क्या हो जाएगी, मनोहरता। अगला देखो सौंदर्य की परख, ठीक है, की जाती है किसके आधार, ऊपर ही बता दिया, तो किसके आधार पर की जाती है, मनोहरता के आधार पर की जाती है, किसके आधार पे, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है क्या है, देखो साहित्य और सौंदर्य, बी विकल्प क्या हो जाता है इसका, साहित्य और सौंदर्य। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या, साहित्य और सौंदर्य, पहली बात तो यही देख लेते हैं इसका, साहित्य और सौंदर्य की ही बात की गई है, बी विकल्प हो जाता है अभिव्यक्ति की अनुभूति, और डी विकल्प इसका क्या हो जाता है, डी विकल्प देख लेंगे इसका, देखो डी विकल्प क्या पूछा गया है, सी विकल्प सुंदरता बनाम मनोहरता और सुंदरता संकीर्ण, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साहित्य और क्या हो जाएगा, साहित्य और सौंदर्य। ठीक है, देखो ये साहित्य और सौंदर्य, देखो सौंदर्य का परक, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या मिल गया, सौंदर्य। ठीक है, और ऊपर भी लिखा था साहित्य, ठीक है, ठीक है, आगे देखो अभी मैंने मनोहर साहित्य देखा था इसमें, चलो अब फिर देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया हिंदी, देखो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती, तो ये सबको ही पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसको कहा जाता है, थोड़ा अब ये देख लेते हैं। लिपि को कहा जाता है, व्याकरण को कहा जाता है, लिखित भाषा को कहा जाता है, तो शुद्ध रूप किसको कहा जाता है, तो आप उसका उत्तर देख लेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन का इसका उत्तर हो जाएगा, किसको कहते हैं, व्याकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण को। आपको जो भी जितना भी स्कोर हुआ है उसे अवश्य आप कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो। आपको लगातार ये प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। सभी को हमारा पुनः जय हिंद।